मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। After a Twitter video of two women being paraded naked in Manipur caused a nationwide uproar, the Supreme Court took suo motu cognizance and has labeled the incident as deeply disturbing and a gross violation of constitutional rights, seeking explanation from the union and state governments. Lekin suo motu cognizance kya hai? Hello everyone, I am Maryam Khan from Lloyd Law College aur aaj ki is video mein hum baat karenge suo motu cognizance ki. जब कभी मौलिक अधिकारों की उल्लंघना किसी व्यक्ति या मीडिया रिपोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक पहुंचती है तो वे बिना किसी सामान्य कानूनी कार्रवाई के सुओ मोटू कॉग्निजेंस के जरिए लोवर कोर्ट्स या गवर्नमेंट को डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं। सुओ मोटू कॉग्निजेंस इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ दीज कोर्ट्स। किसी भी कानून का उल्लंघन होने पर यदि सरकारी मशीनरी कार्रवाई नहीं करती है या सरकारी एक्शन संपूर्ण ना हो तो ये कोर्ट्स मामले का संज्ञान लेकर उचित दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। अप टिल नाउ द इंडियन कोर्ट्स हैव टेकन सुओ मोटू कॉग्निजेंस ऑफ वेरियस मैटर्स सम ऑफ विच आर लिस्टेड ऑन योर स्क्रीन्स। थैंक यू।